मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वृहद रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना एवं ओडीओपी कार्यक्रम के लाभार्थियों को 500 करोड़ का ऋण वितरण किया। इस अवसर पर रोजगार मेले में आए छात्र व छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि हर हाथ को काम और हर हाथ को रोजगार मिले। यह भाजपा की शुरू से ही सोच रही है। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने नारा दिया था तब लोगों को लगता था कि क्या यह संभव हो पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। अनेक ऐसी योजनाएं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए पहले जनधन अकाउंट खोला गया, हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया, डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण प्रारंभ हो गया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर एक गांव को और हर व्यक्ति को डिजिटल सक्षम बनाया गया। इससे रोजगार के सृजन हुए, मेक इन इंडिया, पीएम मुद्रा योजना और इन योजनाओं को आगे बढ़ाते पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ हुआ, जिससे हर वर्ग के लोगों को रोजगार करने के लिए ऋण मिल रहा है। उन्होंने कहा, कौशल विकास मिशन विभाग से कहना चाहता हूं कि जितने भी विभाग यहां आए हुए हैं, इन युवाओं का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं और उनका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यदि रोजगार प्राप्त होता है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्हें नहीं हो पाता है उन्हें किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाए, उनको इंटर्नशिप स्कीम के तहत जोड़ा जाए। उस दौरान उसके जीवन यापन के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिल करके आधा आधा मानदेय देगी। इनके पास अनुभव होगा और अगली बार निश्चित ही उनको अच्छे कंपनियों में रोजगार मिलेगा, तब उनकी ऊर्जा व प्रतिभा का लाभ हमारे समाज को व देश को होगा। उन्होंने कहा कि आज शारदीय नवरात्र की अष्टमी है, इस दिन 40,000 युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है, इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ और नवमी व विजयदशमी की शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पर देश के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, सदर सांसद रवि सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में शुरू हुई अभिनव योजनाओं से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो। मिशन रोजगार के तहत निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था से 6,00,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। खिलाड़ियों को भी खेल कोटे से सरकारी नौकरी का लाभ मिल रहा है। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी दर 4% तक रह गई है। पूरी शिक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है और उत्तर प्रदेश के युवाओं और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान के संकट से मुक्त करने का कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना युवाओं को अलग अलग इंडस्ट्री में हुनरमंद बना रही है। सेवा विद्यालय गोरखपुर के इस प्रांगण में देश भर में मुख्यमंत्री के रूप में सनातनी विचारधारा, कानून व्यवस्था, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम में जिनका नाम आज पूरे देश में नंबर वन मुख्यमंत्री के रूप में जाना जा रहा है और आप सब लोग उनको कितना प्रेम करते हैं, पूरा देश उनको कितना प्रेम करता है, किसी से छिपा नहीं है। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में मैं वंदन अभिनंदन करूँगा। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ महाराज जी का स्वागत हो इस ऐतिहासिक दिन पर, जहां पर आज 100 से ज्यादा कंपनियां आई हैं और करीबन 30,000 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 35,000 बच्चों को आज यहां से नौकरी का एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड मोर देन 125 और 115 सम कंपनीज ऑलरेडी हियर। सो दुर्गाष्टमी की आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं और जितनी बेटियां बैठी हैं मैं उनको विशेष रूप से शुभकामनाएं देते हुए उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उनका आशीर्वाद चाहता हूं। आप सबका आशीर्वाद हम सबके साथ बना रहे और हम सबके बहुत ही पूज्य वंदनीय और जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर, बल्कि उत्तर प्रदेश में नहीं कहिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग विचारधारा, एक अलग क्रांति, और क्रांति भी ऐसी वैसे नहीं, आदरणीय सांसद रवि जी ने सारा विस्तार से पीछे रखा है, लेकिन जिस प्रकार से माताओं का, बहनों का, बेटों का सम्मान
और अभी पहले ही नवरात्र को जिस प्रकार से नारी वंदन के लिए चतुर्थ चरण शुरू करने का काम किया ताकि नारी स्वावलंबी भी हो, उनका सम्मान भी हो, या उनको आशीर्वाद देने का काम किया, और जिनके कुशल निर्देशन में केवल प्रदेश के अंदर प्रत्येक वर्ग आज प्रगति की ओर अग्रसर है, और जिनके नेतृत्व में विकास के नए आइकॉन लिखे जा रहे हैं, और जो सनातन धर्म के और भारतीय संस्कृति के और देश की एकता और अखंडता के आज आइकॉन बने हैं, आज ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि गोरखपुर तो आपकी कर्म भूमि है और लगातार आपकी क्रीड़ा भूमि भी है, और लगातार यहां से आप 7 बार सांसद बनकर के लोकसभा में आपने नेतृत्व करने का काम किया और पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, और आपकी ऊर्जा के कारण से हम सबके गौरव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, कौशल विकास एवं व्यवसाय शिक्षा मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, गोरखपुर के सांसद आदरणीय रवि किशन जी, कुशीनगर के सांसद आदरणीय दुबे जी, महापौर मंगलेश श्रीवास्तव जी, संस्थागत वित्त विभाग के श्री शिव सिंह यादव जी, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा श्री देवराज जी, मंच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी नौता छात्र और बहनों, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम रोजगार मेले में उत्तर प्रदेश ने जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर को एक साथ मंच पर लाने का प्रयास किया है। आज का आयोजन साबित करता है कि युवाओं के लिए उचित रोजगार उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। अगर आप देखें तो पिछले 6 सालों में लगभग 5 लाख से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश में देने का काम हमारी सरकार ने किया है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि जो 5 लाख नियुक्तियां हुई हैं, जो पहले इस प्रदेश की पहचान रही है, जो सिफारिश की पहचान रही है, जो लेन देन की पहचान रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस 5 लाख नियुक्तियों में किसी भी व्यक्ति का 1 पैसे का भी कोई कहीं लेन देन नहीं होने पाया है मित्रों। और साथ ही साथ ये भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कल्चर बदला है, जो नेताओं के पास लोग दौड़ते थे, भागते थे सिफारिश के लिए, आज कहीं ना कहीं ये सबको एहसास हो गया है कि हमको अपने कार्यों के आधार पर, अपने योग्यता के आधार पर नियुक्ति मिलेगी, किसी सिफारिश के आधार पर नहीं मिलेगी। ऐसा माहौल माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बनाने का प्रयास किया है। एक उद्घोष रहा है, हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार, हर हाथ को काम मिले, हर हाथ खेत को पानी मिले, यह भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से सोचती थी। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये नारा दिया था, तब लोगों को लगता था कि क्या ये संभव है, लेकिन वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको हकीकत में बदलने का कार्य किया है। अनेक ऐसी योजनाएं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए, सबसे पहले जनधन अकाउंट, हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया, डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण प्रारंभ हो गया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से हरेक गांव को, हरेक व्यक्ति को डिजिटली सक्षम बनाया गया, इससे रोजगार के सृजन हुए। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना,
और इन योजनाओं को आगे बढ़ाते बढ़ाते आप पीएम विश्वकर्मा तक की इन तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, इसलिए आज भारत के युवा को अपने ही देश में नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावना। कौशल विकास से जुड़े हुए विभागों से भी कहूंगा, श्रम और सेवा योजन विभाग से भी कहूंगा कि जितने भी युवा यहां आए हैं, इन सभी युवाओं को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाइए और इनको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जिन्हें रोजगार का पत्र प्राप्त होता है, अच्छी बात है। जिन्हें नहीं हो पाता है उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के साथ जोड़िए और उस दौरान उन्हें मानदेय के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आधा मानदेय देगा, आधा इंडस्ट्री देगा। इनके पास अनुभव होगा और अगली बार इनको भी अच्छा पैकेज यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, जिससे उसे उपलब्ध होगा तो उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ हमारे समाज को, हमारे देश को प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, भारत की हमेशा से मान्यता रही है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, कोई अयोग्य नहीं है। तो फिर यानी अगर कोई अयोग्य है तो इसका मतलब उस समाज में मार्गदर्शक नहीं है। योजक तत्व दुर्लभ, जहां योजक नहीं वहीं पे कोई अयोग्य हो सकता है, अन्यथा अगर अच्छे मार्गदर्शक है तो हर व्यक्ति के हाथ को काम मिल सकता है। और डबल इंजन की सरकार का यही लक्ष्य है, बिना भेदभाव के हर हाथ को कार्य मिले। और मैं अपने युवाओं से कहता हूं, आज सरकार ने ढेर सारी संभावनाएं आपके लिए तय की है। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में पहले कोई निवेश के लिए नहीं आता था, आज निवेश के लिए आता है। 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिले हैं। 38 लाख करोड़ का निवेश जब जमीनी धरातल पर उतरेगा, इसके लिए हमें चाहिए 1 करोड़ 10 लाख युवा जिन्हें अपने ही गांव, अपने ही घर के पास नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। ये 1 करोड़ 10 लाख युवा अगर उत्तर प्रदेश का प्रशिक्षित हो जाए, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें प्रशिक्षित कर देंगे, तो कहीं से बाहर से किसी व्यक्ति को आने की नौबत ही नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश का युवा स्वयं उसमें रोजगार और नौकरी प्राप्त कर रहा है। याद करिए, जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया था, लोग कहते थे क्या होगा इससे, ये तो मर चुका है, इसमें कहा है अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। मैंने कहा यह मरा नहीं है, मरी उन लोगों की सोच है जो इसको मृत बोल रहे हैं। ये जीवन में है और ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हम इसको प्रोत्साहित करेंगे, इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेंगे, इसको पैकेजिंग के साथ जोड़ेंगे, इसको मार्केटिंग के साथ जोड़ेंगे और परिणाम क्या होगा। हमने 18वीं योजना शुरू की, जब 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा और उत्तर प्रदेश के कामगार, कारीगर और यहां के कामगार ये सब वापस आने लगे, तो लोगों ने कहा कहां इनको रोजगार मिलेगा। मैंने कहा चिंता मत करो, जिसको आप कहते थे कि ये मरे हुई चीज पर आप कहें इतना समय व्यस्त कर रहे हैं, मैंने कहा वही जीवित हो चुकी है और वह इन सबको नौकरी और रोजगार यूपी में देकर 40 लाख लोगों को हम लोगों ने यूपी के अंदर ही रोजगार देने का काम किया। यूपी देश का एक महत्वपूर्ण राज्य था जिस
जिसने उस समय 40 लाख लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया, फिर उन्हीं के जनपद में उनके लिए रोजगार की सृजन की व्यवस्था भी की। जो राज्य उन्हें संभाल नहीं पाए थे, जो राज्य उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए थे, राज्य कोरोना की प्रथम वेव जैसे समाप्त हुई, मुझे फोन करते थे, हमारे यहाँ लोग नहीं मिल रहे काम करने के लिए, यूपी से पूछने के लिए और पढ़े लिखे युवा के लिए योग्य गाइड के रूप में कार्य करने के अवसर होते हैं। जो मंदिरों में धर्मस्थलों में फूल पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, उस फूल पत्ती को चढ़ाने के बाद अगले दिन फेंक दिया जाता है। कुछ लोग महिला स्वयंसेवी समूह या कुछ लोग उसको एकत्र करके सभी धर्मस्थलों से एकत्र होकर के अगर उसी से धूप बत्ती स्त्रित्र आदि बनाने का काम लोग करने लग जाएंगे, नए रोजगार का भी सृजन उससे भी होगा। यानी वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए कला इसके अंदर छुपी हुई है, लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और इसीलिए मैंने कहा अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः, अयोग्य कोई नहीं है, एक योग्य योजक की आवश्यकता है और ये रोजगार मेला उसी योजक के रूप में आपके लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है कि आपको कैसे अपना राह मार्ग बनाना है। डबल इंजन की केंद्रीय राज्य दोनों सरकार इस दिशा में आपके लिए तमाम प्रकार के आयोजन कर रही है, तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। मैं देख रहा था आज 120 कंपनियां यहां पर आई हुई हैं, इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन होंगे, कार्यक्रम होंगे, लेकिन मैं प्रशासन से भी और सभी विभागों से कहूंगा, अन्य युवाओं को भी रजिस्ट्रेशन सबका करवाइए, इंडस्ट्री के साथ जुड़िए, किसी को चीनी मिल के साथ, किसी को आईजीएल के साथ, किसी को गैलेंट के साथ, किसी को टीएमएक्स अंकुर के साथ में, किसी को तमाम अन्य जो डेयरी जुड़ी हुई है, डेयरी खुली हुई है आपके गोरखपुर में, अभी डेयरी ज्ञान डेयरी का हम लोगों ने जो सीपी मिल्क प्रोडक्ट का उद्घाटन किया था, इसके साथ जुड़िए, यहाँ पे हम लोग अभी तमाम अन्य कार्यक्रमों को फैक्ट फैक्ट्री के नए कॉन्सेप्ट को भी लेकर के आए हैं, टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं, इन सभी के साथ इन युवक को जोड़िए और हर युवा अगर वहां जुड़ जाएगा तो इन्हीं युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम भी कर रही है, जिससे टैबलेट स्मार्टफोन के माध्यम से युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा सके। प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, रोजगार और नौकरी की कमी नहीं है, एफपीओ का गठन आप कर सकते हैं, इसके माध्यम से तमाम संभावनाएं आपके लिए बनेंगी और उन संभावनाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए आगे रोजगार मेला का आयोजन यहाँ पर आयोजित किया गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, युवा बड़ी उत्सुकता के साथ आए हैं, मैंने अयोध्या में आज देखा कि वित्तीय समावेशन से जुड़े हुए विभागों को और बैंकर्स को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो युवा यहां पर आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं उनको बधाई देता हूं और जो युवा आज यहां आए हैं वे निराश न हो, प्रयास करें, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं इसको चयन करिए, उसमें प्रशिक्षण ले लीजिए, उन्हें रोजगार की गारंटी सरकार की दी, उनके लिए रोजगार और नौकरी की कमी नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे अभी तो हमें हर घर नल की योजना में प्लंबर चाहिए, रेडियो एक गांव में एक प्लंबर की तैनाती हो सकती है, एक गांव में प्लंबर, 1,08,000 गांव है यूपी में, याद करिए कितने लोगों को मिलेगा। पीएनजी जो रसोई गैस है अभी तक सिलेंडर में आ रहा है, अब ये पाइप लाइन से भी बिछाई जा रही है, पाइप लाइन से जितना व्यक्ति खर्च करेगा मीटर लगा रहेगा उसी के हिसाब से वह खर्चा होगा, इसके लिए भी प्लंबर चाहिए,
प्लम्बरिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके ग्रेड होने चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको, इसके साथ रोजगार से जोड़ा जा सकता है। बेटियों के लिए बेसी सखी, आप याद करिए पहले मांग होती थी हमारे गांव में बैंक में, हर गांव में मांग होती थी। हमने कोरोना कालखंड में जब पैसा भेजना शुरू किया तो पता लगा लोग बैंकों में लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, तब हमने बैंक की कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की एक योजना दी थी। आज 56,000 गांवों के लिए बैंकिंग क्रॉसकॉन्डेंट सखी का चयन हो चुका है, और क्रॉसकॉन्डेंट सखी के माध्यम से आज वित्तीय लेन देन का सारा काम गांव के अंदर स्वयं कर रही है। आप याद करिए 56,000 ये बेटियां ये बहने गांव गांव में वित्तीय लेन देन का काम करते हुए स्वयं दिल्ली पीसी सकेंगी, बाहर एक प्रदर्शनी। मैंने उनसे पूछा कितना पैसा तुम्हारे 15,000 से 25,000 रुपए प्रति माह, इतना उसके पास कमीशन आ जाता है बैंक का और घर का काम भी अलग से। रेडीमेड गार्मेंट्स में जो काम कर रहे हैं वे भी इतना पैसा कमा दे रही। भदोही से एक कारपेट बनाने वाले एक कारीगर से मैंने पूछा कितना कमा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए NSDC के CEO वेदमणि त्रिपाठी ने कहा, कैंप लगा है वो क्यों था और इससे किस तरीके का लाभ मिलेगा? तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में स्किल इंडिया मिशन का लॉन्च किया था। स्किल इंडिया मिशन देश के नवयुवकों को प्रशिक्षित कर रहा है जिससे कि उनको देश में और देश के बाहर अच्छे रोजगार के अवसर मिल सकें। आज करीब 3 करोड़ लोग इस मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित हो चुके हैं। आज का ये जो कार्यक्रम था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रशिक्षण पाए हुए नवयुवक हैं उनको देश और विदेश दोनों जगह नौकरी मिली है। हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं NSDC इंटरनेशनल की तरफ से। NSDC इंटरनेशनल NSDC की एक कंपनी है जिसने पिछले साल करीब 23,000 नवयुवकों को पूरे देश दुनिया के 13 देशों में नौकरियों का प्रबंध कराया, और आज उन्हीं NSDC इंटरनेशनल के वाराणसी सेंटर से जो प्रशिक्षित लोग थे जो इस मंडल के आते हैं उनको यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो करीब 4 से 4.5 लाख रुपए के पैकेज के ऊपर विदेश जा रहे हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। उसके अलावा हम यहाँ पे एक स्किल इंडिया डिजिटल की भी एक यहाँ पे स्टॉल पे दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से उसमें सारी दुनिया भर की जॉब्स जो NSDC इंटरनेशनल कलेक्ट करता है वो स्किल इंडिया डिजिटल ऐप पे उपलब्ध हैं। उन जॉब्स को पाने के लिए आपको किस तरीके का प्रशिक्षण चाहिए उसका भी वहाँ पे उपलब्ध है, और साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप और इन सारे माध्यम उपलब्ध हैं। तो स्किल इंडिया डिजिटल ऐप जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है उसको डाउनलोड करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद। वेदमणि तिवारी CEO NSDC।